अमन अमन बेटा नहीं, अमन रुको, अमन नहीं, अमन रुको, अमन रुको, इधर आओ, हमने कहा इधर आओ। चना क्यों खाया? हाँ, किसने कहा था चने खाने के लिए? हम पूछ रहे कि क्यों खाए चने तुमने? सीनत भाभी प्लीज। क्या प्लीज ज़ारा? इतने सारे लोग बैठ के यहाँ पे सवाल आप चने गिन रहे हैं और ये पता नहीं कितने सारे चने खा गया। तो रुखसार की हमें इतनी टेंशन है, ये एक और टेंशन दे रहा है। दिन भर दिन निकम्मे होते चले जा रहे हो तुम ऐसे नहीं बाज आओगे, ऐसे नहीं बाज आओगे तुम भाभी। अभी चने ही तो खाए हैं, हम वापस से गिन लेंगे सवा लाख चने। आओ हमारे साथ यहाँ। चने खा लिए ना, कोई बात नहीं, अब बस अल्लाह पाक से दुआ करो कि तुम्हारे कबीर चाचू ना रुखसार खाला को सही सलामत यहाँ ले आए, ठीक है? अल्ला मिया हमारे चाचू सुपरमैन है, वो रुखसार खाला को हर हाल से बचा कर लिए। आमीन। चलो जाओ, जल्दी जाओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो ज़ारा? तुम्हें पता है मुश्किलें नजर आ रही है रास्ते में ज़ारा, मगर अब जो तुम्हें देख लिया तो सब आसान हो जाएगा। तुम्हें यकीन नहीं होगा, हम बस अभी यहीं खड़े थे ना, हमें पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, मगर जहां हम देखते हैं हमें तुम नजर आती हो। तुम जानते हो हमें तुम्हारी याद आ रही है, इतनू सी। ज़ारा, ज़ारा सुनाई नहीं दे रहा है ये नेटवर्क भी ना। चलो अब जनाब खुद फोन करेंगे। सवा लाख बार आयते करीमा का विर्द हुआ है, उसके सदके में कबीर की जान बचा लें। ज़ारा हम बिल्कुल ठीक है। अल्लाह बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैटर दबा दो क्योंकि आपके होटल का नाम खराब होगा। हम पर जानलेवा हमला हुआ है। दो लोगों ने आपके होटल के नीचे हम पर हमला किया, एक ने हम पर बंदूक थामी और आप हमसे कह रहे कि मैटर दबा दो। ये बहुत ही छोटा मसला है। हम एक काम करेंगे, हम आज के आज जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे। देखना आप फिर ये होटल का नाम खराब होगा या नहीं। हमारे ओनर अरमान बिन साले बहुत ही पावरफुल है। तो हम क्या करें सर उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। सर आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, ये बहुत ही डेंजरस बात है। बिल्कुल, लेकिन अगर ये बात मीडिया में लीक हो गई तो शेख साहब की इज्जत पे सवाल उठेगा और उनके लिए उनकी इज्जत ही सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, हम रिपोर्ट नहीं लिख पाएंगे, मगर हमें आपकी एक मदद चाहिए। कैसी मदद? देखिए मसला ये कि हमें एक कैदी से मिलना है और यहाँ की अथॉरिटीज हमें उससे मिलने नहीं दे रही। आप सिर्फ अपने शेख से कहिए कि ये मीटिंग अरेंज करवा दीजिए। मैं कोशिश करके देखता हूँ। जी एक बार आप फोन कीजिए, वो कैदी से मिलना बहुत जरूरी है। जी कहिए सिर्फ 5 मिनट, उससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अस्सलाम वालेकुम शेख, ये एक साहब यहाँ पे आए हुए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जी जी बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम शेख, माय नेम इज कबीर अहमद। सर किसी भी हाल में सर हम आपसे कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है। अस्सलामुअलैकुम रुखसार। वालेकुम अस्सलाम कबीर। वालेकुम अस्सलाम। तुम आ गए कबीर, तुम आ गए। अब अगर मौत भी हमें अपने गले लगा लेना कबीर तो हमें कोई शिकवा नहीं होगा। नहीं, हमारी बात सुनो। हम सिर्फ जितना तुमसे पूछेंगे ना बस उसका जवाब दे दो हमें रुखसार, ठीक है? कबीर, हमें तुम पर पूरा भरोसा है कबीर। तुम हमें यहाँ से ले जाओ कबीर। जरूर, हम जरूर लेकर जाएंगे। बस हमारी बात सुनो, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट नहीं, 5 से भी कम मिनट है, बहुत कम वक्त है हमारे पास। हम सिर्फ इतना जानना चाहते कि हमदान को तुमने नहीं मारा ना? सिर्फ एक बार हमसे कह दो, क्योंकि तुम्हें बचाने की जो कार्रवाई हमें शुरू करनी है ना, उसके लिए हमें जानना जरूरी है। रुखसार, सिर्फ एक बार कह दो। हाँ कबीर, हमने हमदान को मारा है। क्यों किया? अगर हम उसे नहीं मारते कबीर तो वो हमें मार डालता। कैसे तुम्हें पता ये बात? हाँ रुखसार, कि वो तुम्हें मार देता अगर तुम उसका कत्ल नहीं करती। कैसे पता लगा? उसके पार्टनर फरहान ने हमें ये बताया था कबीर। नहीं, नहीं 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 नहीं, वो उसका पार्टनर नहीं था, क्योंकि हम फरहान से खुद मिलकर आए। वो हमसे कह रहा था कि हमदान तो सिर्फ उसकी कंपनी में ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉर्प में काम करता था। वो दोनों दोस्त हैं कबीर, वो कंपनी दोनों ने साथ मिलकर खोली है, वो दोनों पार्टनर्स हैं। अगर हमदान रुखसार को मारना चाहते थे और ये बात फरहान ने रुखसार को बताई थी, तो हमें फरहान ने झूठ क्यों बोला कि रुखसार ने हमदान का कत्ल किया है? एक बार हमें सब कुछ बताओ, तुमने हमदान को कैसे मारा और उसके बाद क्या हुआ, तुम पकड़ी कैसे गई, सब कुछ हमें बताओ। हम सारा किस्सा जानना चाहते हैं, उसका कत्ल कैसे किया। इतने महीने तक तुमने हमें क्यों, किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? खानदान को नहीं बताया तुमने, ना हमें एक फोन किया। रुखसार, रुखसार सुनो, हम जवाब दो हमें। रुखसार, रुखसार। सर, टाइम इज स्टिल रिमेनिंग सर। क्या रुखसार ने ऐसा खुद कहा? हाँ ज़ारा। या अल्लाह कबीर, अब तो सारे रास्ते बंद हो गए, अब क्या होगा? मगर एक रास्ता जरूर खुला है और वो है फरहान। फरहान? अरे फरहान ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में उसका जो पार्टनर था, हमदान का पार्टनर था। जब हम फरहान से ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में मिलने गए थे ना, तो उसने हमसे कहा था कि हमदान कंपनी में काम करता है, कि एम्प्लॉई है। मगर रुखसार ने तो हमसे कह दिया कि वो तो बराबर के पार्टनर थे। कबीर, तुम एक काम करो, जल्द से जल्द पुलिस में उसकी रिपोर्ट करवाओ। नहीं नहीं, नामुमकिन नहीं है। तुम ही सोचो ज़ारा, क्योंकि रुखसार तो सजाए मौत पाई हुई कातिल, उसकी बात पर कौन यकीन करेगा? और फरहान, वो तो पिछले 20 सालों से एक इज्जतदार कारोबारी है। हमें लगता है कि पुलिस में जाने से पहले ना पुख्ता सबूत की जरूरत होगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। कबीर, हमें बहुत डर लग रहा है, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? मगर हमें ना अपना डर नहीं लग रहा, हमें डर लग रहा है सिर्फ वक्त का, और हमारे पास बहुत कम वक्त है। 2 दिन से भी कम वक्त बचा है। हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्या करें हम? ऐसे में हमें सिर्फ खुदाई मदद की जरूरत है ज़ारा, और कुछ नहीं। ज़ारा माफ करना, मगर तुम हमारे लिए एक काम करोगी, सदका करोगी, एक मजलूम को ढूंढना और उसकी मदद करना ज़ारा। फिर क्या होगा कि उसके दिल से दुआ निकलेगी और रुखसार की रिहाई में हमें रास्ता मिल जाएगा। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या आप बकवास कर रहे हो? हमदान मेरा पार्टनर नहीं था। फरहान, मालूम हम कल रात कहां थे? हम जेल में थे और हमारी मुलाकात रुखसार से हुई। तो क्या कहा रुखसार ने? सब कुछ बता दिया। फरहान, हमने एक बात हमेशा देखी है कि इश्क, मुश्क और जुर्म छुपाए नहीं छुपते। कल रात को हम पर अटैक तुमने करवाया था ना, होटल के कमरे में। आज हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारे दुबई में, तुम्हारे ऑफिस में अकेले, निडर। मगर हमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों तुम डरे हुए हो। सब खैर तो है? गला सूख रहा है? रुको, ये घी क्यों बन रही है? चलो बताओ हमें, बता दो कि मामला क्या है। हमने ही तुम पे होटल पे अटैक करवाया था। जा बता दे पुलिस को, बोल। अबे ट्रांजिट वीजा लेके तू यहाँ 4 दिन का मेहमान है, 4 दिन का। तू फरहान को ललकार रहा है। तेरे बारे में मैं सब जानता हूँ। 48 घंटे हैं तेरे पास। रुखसार की सजा माफ कराना तो दूर, एक गिलास पानी पिला के दिखाओ उसे। अबे रुखसार तो 100% नहीं बचेगी। अबे तू क्यों मरने आ गया बीच में? चुपचाप इंडिया चला जा, नहीं तो तेरे बाप को तेरी लाश यहाँ से इंडिया लेके जाने में ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, समझा? चल दफा हो जा। हम आए थे यहाँ रुखसार को छुड़ाने, मगर अब हमें ऐसा लगने लगा है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमसे मिलने के बाद ना हमारा दिल नहीं भरा है। नहीं, ये सुनो, हमने ही तुम पे होटल पे अटैक करवाया था। जा बता दे पुलिस को। दोबारा मिलना पड़ेगा, हिसाब पूरा करना। अभी रुखसार हमदन का कत्ल नहीं कर सकती। अभी कबीर से रुखसार ने खुद को बोल किया है कि हमदान को उसी ने मारा है। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। नहीं बेटा, आप ये ऐसे मत बोलो। ये क्या किया रुखसार, क्या किया? भाभी 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 जीना, भाभी भाभी, बचाओ 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 बचाओ। रुको रुको रुको, भाभी अब क्या बोल रही है? बचा लो बच्चो, बचा लो। वो हमें बोल रही, बचा लो। भाभी जा रही बेटा? नहीं, हमें उसे बचाना होगा। वो हमें बुला रही है। कुछ नहीं होगा हमें, हटो। भाभी देखिए, भाभी इस बात समझिए, वो वहाँ पे चिल्ला रही है, उसको बताना होगा। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? उसे सब गोली मार रहे हैं, सब उसे गोली मार रहे हैं। हम उसे नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? अल्लाह पे यकीन रखिए, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। अल्लाह कुछ नहीं कर रहा, अल्लाह कुछ नहीं कर रहा ज़ारा, अल्लाह कुछ नहीं कर रहा। कबीर है ना, वो रुखसार को जरूर बचाएगा। हम जाएंगे, हम उसे बचाएंगे। अगर उसे कुछ हो गया तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। क्या बातें कर रही हो सीनत? ऐसी छोटी सी बच्ची, हमारी बहन है, इतनी सी थी तब हमारे हाथ में थी। कैसे अकेला छोड़ दे? हम बचाएंगे, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। अभी बात समझी। अलीना पानी लेकर आओ। अलीना जल्दी, अलीना जल्दी पानी। जीनत, जीनत, या अल्लाह। अलीना डॉक्टर को फोन करो, जल्दी डॉक्टर को फोन करो। जीनत मेरे बच्चे, आंखें खोल बेटा। जीनत, रुखसार का जिंदा रहना इस घर के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। तुम जिनके पास पहुंचे उन शेख अरमान बिन सालेह साहिब की पहुंच बहुत दूर तक है। उन्होंने हमें फ़ोन कर दिया, मतलब तुम्हारा काम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या चाहते हो? रुखसार का जो केस है ना सर, एक बार दोबारा आप कोर्ट में खुलवाइए। मगर किस बुनियाद पर? सर इस बुनियाद पर, ये सुनिए, हमने ही तुम पे होटल पे अटैक करवाया था। जा बता दे पुलिस को। अबे रुखसार तो 100% नहीं बचेगी। बस आप हमारी मदद कीजिए। अब जैसा हम तुम्हें कहते हैं वैसा तुम करो। हेलो मेरी बेबी डॉल, अरे बाबा अभी आ भी जाओ, क्यों करवा रही हो इतना इंतजार मेरी जान? जान, I'm right outside your cabin. Oh, what a pleasant surprise. But the door is locked. Oh, थोड़ा सिक्योरिटी रीजन की वजह से लॉक होता है। रुको मैं खोलता हूँ एक मिनट।